Good morning to you all. Jalvayu Vigyan. हाँ किसके अच्छा बचा हुआ है अभी सारी जो सीमा है वो बचा हुआ नहीं प्रकार अभी सारी सीमा समझ में आ गया है सबको राइट तो प्रकार तो अब तुम लोग बताओ जैसे ओशन ओशन कन्वर्जेंस होगा सबसे पहला देखते हैं ओशन कॉन्टिनेंट यानी कि टकराने वाली दो प्लेट में से एक ओशन है और दूसरी कॉन्टिनेंट है राइट तो इसमें अंदर कौन जाएगा ओशनिक जाएगा सपोज कीजिए कि इधर से ओशनिक प्लेट आ रही है तो सबडक्शन होगा इसका तटीय क्षेत्र में क्या बनेगा पर्वत बनेगा और थोड़ा सा इसके बाजू में पठार बनेगा और यहां पे गर्त का निर्माण होगा राइट पूरा प्रक्रम पता है यानी कि हम बताया था कि एंडीज और रॉकीज जैसे है जितने भी तटीय क्षेत्र में मोड़दार पर्वत हैं इसकी व्याख्या ओशन कॉन्टिनेंट या महासागर महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर से हम करेंगे प्रक्रम सेम होगा वही प्लेटों का संचलन अगर सपोज कीजिए मेंस में लिखना हो तो इसको लिखेंगे प्लेटों का संचलन कैसे आपस में आता है फिर टक्कर होने के बाद किस तरह से उसका सबडक्शन होता है अवसाद का निर्माण होता है जैसे यहां पे देखो कि एक तो तटीय क्षेत्र है ये तो इधर समुद्र होगा तो ये इधर से अवसाद की मात्रा नहीं आएगी इन दोनों के टक्कर से अवसाद की मात्रा होगी और प्लस इधर से जो नदियां आएंगी वो इसमें भरती जाएगी जो हमने बात करी थी कि दो स्रोत है बात किया था हमने अवसादी चट्टान नहीं बात किया अच्छा कोई बात नहीं है तो यहां पे जैसे फिलहाल ये देखेंगे कि पर्वत का निर्माण होगा सबडक्शन होगा सिंपल सा लिखेंगे ओशनिक प्लेट अधिक घनत्व होने के कारण टक्कर के क्षेत्र में मुड़ जाता है और मुड़ करके गर्त का निर्माण करता हुआ है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाता है जिसके हम सबडक्शन या छेपन कहते हैं पूरी व्याख्या करना है जो अवसादी चट्टान है उसका उससे मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है और यहां के मैग्मा के पिघलने के बाद इसका उत्थान होता है और इसके ऊपर उठने में इस मैग्मा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अब जब ओशन ओशन देखेंगे दूसरा केस क्या है ओशन ओशन राइट ओशन ओशन में क्या होगा सारी चीज पानी के अंदर हो रही होगी राइट मान लीजिए कॉन्टिनेंट है और यहां पे हो रहा है दो ओशनिक प्लेट टकरा रहे हैं तो इसमें से क्या होगा एक प्लेट अंदर जाएगा और यहां पे गर्त का निर्माण होगा राइट अब यहीं पे थोड़ा सा उभार आएगा सपोज कि जैसे हुआ अब समुद्र सागर तलीय है तो ये सब क्या लगेगा लगेगा कि उठा हुआ द्वीप है राइट तो इसमें जब उठाएंगे सपोज कीजिए इसको एक और इससे बनाते हैं सागर तल हुआ तो जैसे ऐसे हुआ कुछ ऊपर चला गया फिर कुछ ऊपर चला गया इस तरह से तो ये सब लगेगा कि अलग अलग द्वीप हैं जबकि ये सच्चाई है किसी एक पर्वत का अभिन्न अंग है और इसमें इसको हम चापीय द्वीप कहते हैं जो जापान हो गया फिलीपींस हो गया इंडोनेशिया वगैरह हो गया इन सब की व्याख्या करता जितने भी चापीय द्वीप हैं स्पेशली प्रशांत महासागर में देखेंगे तो चापीय द्वीप बहुत ज्यादा है
तो इन सब की व्याख्या हम ओशन ओशन कन्वर्जन से करेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जब दो सागरीय प्लेट टकराते हैं तो सेम प्रोसेस से किस तरह से टक्कर होती है, किस तरह से बेंडिंग होगा, किस तरह से सबडक्शन होगा और उसके बाद उसके ऊपर पर्वत आकृति का आते हैं अभी, पर जिस प्रोसेस सब कुछ सेम होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन जैसे आया है, बहुत जेन्युइन कंफ्यूजन है कि दोनों ओशनिक प्लेट है तो अंदर कौन जाएगा, क्योंकि दोनों का घनत्व ज्यादा बराबर है, दोनों महासागरीय प्लेट है तो उसका घनत्व अधिक होता है। पोल्यूशन लग रहा है क्या? बहुत ज्यादा आ रहा है ना, आंख जलन हो रही है, फेफड़े से ज्यादा आंख में लग रही है चीजें। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो कभी भी जब देखेंगे तो घनत्व का प्रिंसिपल दो तीन तरह से होता है। एक तो घनत्व प्रत्यक्ष रूप में दिखता है कि ये प्लेट अधिक घनत्व का है तो अंदर प्रवेश करेगा टक्कर के दौरान। दूसरी चीज है कि जो प्लेट किसी और कारणवश भारी होगा, तो ओशन ओशन के केस में होता है कि जो प्लेट बड़ा होता है या फिर जिसकी गति अधिक होती है उसके अंदर दबाव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इसीलिए जो या तो बड़ा होगा या गति ज्यादा होगी तो वो नीचे प्रवेश करेगा। क्लियर है हम लोग? तो सिंपल वही देखना है। अब इसमें दो तीन चीजें यहां पे आती हैं, जैसे यहां इसको अगर उससे हम तुलना करें, ओशन कॉन्टिनेंट और ओशन ओशन को तुलना करें, तो अब फिर से बोलना, फोर्स ज्यादा होगा। हाँ, जो हल्का होगा वो ऊपर जाएगा, और जो प्रेशर होता है, जैसे हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व के कारण जब हम ये सोचते हैं कि अधिक घनत्व वाला नीचे जाएगा तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? यही लॉजिक है ना कि भारी होता है, अधिक बल लगाएगा, अधिक दबाव लगाएगा, अब जो इसमें अधिक दबाव लगाएगा वो नीचे जाएगा। सेम चीज तुम भी बोल रहे हो, जब बड़ा होगा तो उसका बल ज्यादा होगा, तो बल ज्यादा होगा तो वो नीचे जाएगा, या कोई चीज तेजी से चल रही है तो उसका जो संवेग होगा, जो मोमेंटम क्रिएट होगा वो ज्यादा होगा तो वो नीचे जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है बाकी चीजों में। तो फिर दूसरे फैक्टर्स उसको डिटरमाइन करेंगे कि अंदर कौन जाएगा। तो जो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, जो ज्यादा दबाव जनरेट कर पाएगा वो अंदर जाएगा, और ज्यादा दबाव दो कारणों से, दो और कारणों से, घनत्व के अलावा, एक तो वही है कि साइज बड़ा हो या दूसरा है कि उसकी गति ज्यादा हो। अब जैसे एक होता है ना कि जैसे हमने एक सवाल किया था कि मरियाना ही डीपेस्ट क्यों है, सबसे गहरा क्यों है? मरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में, और वो ओशन ओशन कन्वर्जन से बना है। गर्त की गहराई बढ़ती जाएगी यदि दोनों के बीच में टक्कर का प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो कह सकते हैं ऐसा कि यदि इसका प्रतिरोध ज्यादा हो कि बहुत आसानी से नहीं गिरने दे तो इसकी गहराई क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं? यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि छेपन कोण बड़ा हो तो गर्त की गहराई ज्यादा होगी। अब इन दोनों को कंपेयर करो, जैसे एक ओशनिक प्लेट जो अधिक घनत्व वाला है, भारी है, वो हल्के घनत्व वाले कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रहा है, राइट? तो ये टकराएगा तो ये वाला प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम करेगा, तो ये थोड़ा सा मुड़ने के बाद ये अंदर घुस जाएगा, राइट? तो इसकी गहराई जो भी हुई एक मान लेते हैं। अब ओशन ओशन देखो, क्योंकि दोनों का मार्जिनल पार्ट सिमिलर है, दोनों का घनत्व ज्यादा है, तो बहुत आसानी से ये इसके अंदर प्रवेश नहीं होने देगा, तो इसको दबाए रखेगा, दबाए रखेगा, फिर जब ये शार्प होगा तब ये धीरे से जाएगा।
लिख लीजिए इस चीज को। या अभी छोड़ दो, अभी लिखना छोड़ दो, तीसरे को भी समझ लेते हैं, उसके बाद लिखने उखने का कार्यक्रम शुरू करते हैं, फ्लो टूट जाएगा नहीं तो। अब आता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, महाद्वीप महाद्वीप टक्कर। विश्व में जितने भी चापीय द्वीप हैं सारे की व्याख्या हम इससे करेंगे, तटीय पर्वत होगा इसकी व्याख्या हम इससे करेंगे, और महाद्वीप के आंतरिक भाग में जब मोड़दार पर्वत होगा तो उसकी व्याख्या हम कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से करेंगे। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है एज कंपेयर टू ये दोनों। कॉम्प्लिकेशन ये है कि दो महाद्वीपों की टक्कर के लिए, जैसे दो महाद्वीप सपोज करो ये दीवार और वो दीवार भविष्य में टकराने वाली है, भविष्य में पास आने वाली है, पास आके टकराएगी, इसी को हम महाद्वीप महाद्वीप टक्कर कहेंगे। तो जब भी दो महाद्वीपों की टक्कर होगी उससे पहले महासागर महाद्वीप की टक्कर होगी। जैसे लेट्स से सपोज ये महाद्वीप है और यहां पे कहीं महाद्वीप है जो भविष्य में दोनों टकराने वाला है, तो इन दोनों महाद्वीप ये दोनों महाद्वीप तभी टकराएगा जब इसके बीच का ये समुद्री भाग खत्म हो जाएगा, तभी वापस में पास आएगा टकराएगा। और ये खत्म कैसे होगा? क्षेपण में, राइट। तो महाद्वीप महाद्वीप की टक्कर से पहले महासागर महाद्वीप की टक्कर आवश्यक है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में जब, तो हिमालय और पार हिमालय दो पर्वत पढ़ेंगे, दो प्रकार के हिमालय जो है महाद्वीप महाद्वीप की टक्कर से, और पार हिमालय जो है वो महासागर महाद्वीप की टक्कर से। तो कभी भी जब महाद्वीप महाद्वीप का टक्कर होना है तो उससे पहले महासागर महाद्वीप की टक्कर होगी, और सारे वो परिणाम होंगे जो महासागर महाद्वीप का होता है, यानी कि गर्त बनेगा, पर्वत बनेगा, इधर पठार बनेगा। अब इमेजिन कर लो इसी सिचुएशन को, हमारे जैसे हुआ है टेथिस सागर बीच में था, इंडिया और एशिया के बीच में टेथिस सागर था, फिर धीरे धीरे इंडिया आया, तो इंडिया कैसे आ रहा है? टेथिस सागर इसको ला रहा है। अब इसमें जब ये आगे जब सपोज करो कि इसको आप खींचते जाओ ऐसे करके इमेजिनेशन में, तो क्या होगा? वो पास आता जाएगा, एक समय आएगा कि पूरा का पूरा ओशनिक प्लेट गर्त के अंदर चला जाएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चला जाएगा, और तब कॉन्टिनेंट यहां पे आ जाएगा। अब जो कॉन्टिनेंट आएगा तो अब महाद्वीप महाद्वीप की, इसको हम महाद्वीप या महाद्वीपीय टक्कर बोलेंगे। क्लियर है हम लोग? अब ये गर्त बना हुआ है, पर्वत ऑलरेडी बना हुआ है, ये पठार बना हुआ है। अब जो महाद्वीप आएगा महाद्वीप महाद्वीप की टक्कर होगी, तो उसका जो होगा वो सबसे पहले क्या करेगा? गर्त को भर देगा। इमेजिन करो कि जैसे ये गर्त यहां पे बना हुआ है ऐसे करके, इधर से कॉन्टिनेंट आ रहा है ऐसे करके गर्त बना हुआ, कॉन्टिनेंट इसमें घुस जाएगा, तो ये क्या हो गया? भर गया ना। तो गर्त क्या क्या होगा? भर के एक मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जैसे सिंधु और गंगा का मैदान है हमारे यहाँ, और फिर से पर्वत का निर्माण होता है महाद्वीप महाद्वीप के टक्कर से, और महाद्वीपीय भाग पृथ्वी के इसके सबडक्शन होता है, उसका क्षेपण होता है, और दो परत बन जाती है महाद्वीपों की, यानी कि हल्के तत्व। इसी को इमेजिन कर लो कायदे से, तो ये नीचे जा रहा है, जाते जाते क्या करेगा? उसको घसीट के लेकर के आएगा। तो नहीं होगा फिर, तो फिर महाद्वीपों का टक्कर नहीं होगा, तो महाद्वीप दूर चला जाता जाएगा ना। तो एक अपसरण हो रहा होगा, तो अपसरण हो रहा होगा तो अभिसरण नहीं होगा। जैसे सिंपल सा सोचो कि यहां पे एक सर रखा हुआ, वहां पे एक सर रखा हुआ, इन दोनों को टकराना है भविष्य में, दोनों को कॉन्टिनेंट मान लेंगे, तो बीच से खाली करना पड़ेगा ना रास्ता। कैसे खाली करेंगे? तो वो हमेशा अभिसरण में ही होगा। अगर यहां से अपसरण करना शुरू कर दिया तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा।
अच्छा, अरे पूछ रहे हो मुझे ना, तुम बता रहे हो। एक तो ऐसे ही सफोकेशन हो रहा है, सांस नहीं ली जा रही। तुम्हारा अंदाज बताने वाला था, मुझे लगा शायद कुछ नई चीज बता रहे हो। एयर कंडीशन क्लासरूम में भी धुआं भरा हुआ है, नहीं सरप्राइजिंग। हमेशा दो अपसरण के बीच में एक अभिसरण होगा, या दो अभिसरण के बीच में एक अपसरण क्षेत्र होगा। सिंपल सा ये लॉजिक। अगर इन दोनों को सटना है तो यहां से अपसरण हो रहा होगा और उधर से भी अपसरण होगा, तो अभिसरण हो जाएगा। तो दो अपसरण के बीच में एक अभिसरण होगा और दो अभिसरण के बीच में एक अपसरण, तो उसको अपसरण थोड़ी कहेंगे। तो ये अभिसरण हो गया ना। अभिसरण जैसे है तो अभिसरण का मतलब ही क्या होता है? पास आना। अपसरण का मतलब दूर जाना। अपसरण में हाँ, जैसे मान लो कि ये दोनों प्लेट आ रहे हैं, ये अपसरण हो रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, इसका मतलब ये इधर से आ रहा है, तो ये जो दिशा है पुश कर रहा, वो कौन करेगा? अपसरण जो करेगा, राइट। कई बार ऐसा होता है कि ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, ये खड़ा है, इसका कोई मूवमेंट नहीं है, एक तरफ से आ रहा है, तो वो भी संभव है। ठीक है, एक मिनट जा सर। तो दोनों महाद्वीपों की टक्कर के लिए सबसे पहले होगा कि उसके बीच में जो, लिख लो इसको, हाँ तो बीच में अपसरण हो रहा है ना। हाँ तो बीच में से अपसरण हो रहा है जो मध्य सागर या कटक, बिल्कुल दिखाएगा, कोई सवाल ही नहीं कि नहीं दिखाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, पैसिफिक बीच में है, बीच में दिखा नहीं रहा ना। हाँ तो बीच में जो उसका मध्य सागरीय कटक है, उसमें पैसिफिक ओशन में, तो उसका स्कैटर्ड वे में है, छोटा छोटा ये है अपसरण। तो यहां तो हो रहा ना, अटलांटिक में हो रहा है, तो हो गया ना अपसरण। इसका त्रुटि है इसमें, प्लेट विवर्तनिकी की के। जो प्लेट विवर्तनिकी का है सिद्धांत, कि जैसे दो अपसरण के बीच में एक अभिसरण होना चाहिए, तो पैसिफिक ओशन में परफेक्ट अपसरण नहीं है, ये इसके डिमेरिट्स में आता है। इसके लिए डिमेरिट्स में आता है, वहां पे भी है, ट्रिपल जंक्शन की डिमेरिट्स है इसके। उसके बाद सबडक्शन और जो अपसरण और अभिसरण है, वो दोनों का ये समान नहीं है रेट, ये सब त्रुटियों में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है वो यही है कि दो अपसरण के बीच में एक अभिसरण होगा, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहता है। जैसे को महाद्वीपीय क्षेत्र में जो महाद्वीप का सबडक्शन होता है, वो छेपन पूर्ण नहीं होता है, छेपन होता है, जैसे सविंदर सिंह में पढ़ोगे देगा, छेपन ही नहीं होता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। छेपन होता है लेकिन कंप्लीट छेपन नहीं होता, चूंकि हल्का होता है तो इसको अंदर प्रवेश करना थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन अगर छेपन नहीं होगा तो भूकंप नहीं आएगा। अब हिमालय में भूकंप आता है, इसका मतलब है छेपन हो रहा है। अभी हम उसको कोरिलेट करेंगे भूकंप ज्वालामुखी से जब करेंगे तो। पश्चिमी तट पे कहीं भी हो सकते हैं वो, जैसे आप पर्वत की बात करते हैं तो एंडीज और रॉकीज कहाँ पे है? पश्चिमी तट पे है। लेकिन जापान कहाँ पे है? पूर्वी तट पे है। जापान है, फिलीपींस है, वो भी तो पर्वत ही है ना। लेकिन ये चूंकि चाप इसमें ओशन ओशन से होता है, उसको हम पर्वत नहीं कहते हैं। नहीं कहते हैं क्यों, वो हम अभी बात करेंगे। कि जापान को हम चापीय द्वीप कहते हैं,
पर्वत नहीं कहते हैं। जैसे मोड़दार पर्वत की अपनी एक विशेषता होती है, वो विशेषता वहां पे थोड़ा सा अनुपस्थित है, पूर्ण रूप से मोड़ नहीं बनता है। ये इसका कॉम्परेटिव एनालिसिस करेंगे, जब तीनों प्रकार के अभिसरण का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो फिर आइडिया लगेगा। नहीं, कम अभी भी हो रहा है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो है इंडिया छोटा होता जा रहा है। लेकिन महाद्वीप जो अंदर प्रवेश करता है वो बहुत पूरी तरह से नहीं प्रवेश करता है, थोड़े दिनों के बाद ये रुक जाएगा। क्योंकि महाद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है, हल्का होता है, और जो सबडक्शन है, छेपन क्या है कि ये अपना रास्ता बनाने के लिए चट्टानों को यहां से हटाना पड़ेगा इसको, तब प्रवेश कर पाएगा। तो जो भारी होगा वो आंतरिक भाग के चट्टानों को अपेक्षाकृत आसानी से हटा देगा, राइट? जब आसानी से हटा देगा तो ये रास्ता अपना बनाते हुए डीप तक जाएगा। कॉन्टिनेंटल एरिया क्या है कि बहुत हल्का होता है, जो ये अंदर प्रवेश कर रहा है यहाँ पे जो होंगे चट्टान वो भारी होंगे, घना तो बढ़ता जाता है आंतरिक भाग में। तो ये जो कॉन्टिनेंट जाता है ये पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाता है, इसका छेपन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। नहीं, वहां पे महासागर महाद्वीप की टक्कर है ना, तो महासागर छोटा होता जा रहा है, जैसे अटलांटिक बढ़ रहा है अब पैसिफिक छोटा होता जा रहा है। तो महासागर का जब सबडक्शन होगा तो वहां वहां पे जो अपसरण भी हो रहा था यहाँ पे निर्माण भी हो रहा है, और पैसिफिक में निर्माण नहीं हो रहा उतना ज्यादा जितना होना चाहिए। तो निर्माण नहीं हो रहा तो पैसिफिक छोटा, और जैसे सपोज करो कि ये दो कॉन्टिनेंट है, जैसे सपोज ये दो कॉन्टिनेंट यहाँ पे इसका अपसरण हो रहा है तो कभी भविष्य में जाकर यहाँ पे टक्कर भी हो जाएगी, राइट? लेकिन जो प्लेट बर्थनिंग के सिद्धांत है वो भी परफेक्ट नहीं है अभी तक, उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। तो महासागर महाद्वीप की टक्कर में कोई दिक्कत नहीं है, होपफुली हम लोग समझ रहे हैं, जो एंडीज और रॉकीज का केस है। महासागर और महासागर में जापान का केस है कि बीच में इधर कॉन्टिनेंट इधर कॉन्टिनेंट बीच में टक्कर हो रही, तो बीच में उभार हो जाएगा तो वहां पे द्वीप बनेगा। अब आता है महाद्वीप महाद्वीप की टक्कर, तो महाद्वीप दो महाद्वीपों को टकराने के लिए उसके बीच अवस्थित, लिख लो इसको उसके बाद शायद समझने में आसानी होगी। महाद्वीप महाद्वीप टक्कर लिखते हैं पहले, दो महाद्वीपों की टक्कर के लिए उसके बीच अवस्थित महासागरीय प्लेट को लुप्त होना पड़ता है। महासागरीय प्लेट को लुप्त होना पड़ता है, अर्थात महाद्वीप महाद्वीप की टक्कर के लिए, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट सीसी लिख लो खाली, अर्थात महाद्वीप महाद्वीप की टक्कर के लिए टक्कर से पहले महासागर महाद्वीप की टक्कर होना आवश्यक है। महासागर महाद्वीप की टक्कर में गर्त का निर्माण मोड़दार पर्वत का निर्माण तथा पठार का निर्माण होता है।
धीरे धीरे जब महासागरीय प्लेट का छेपन होता है महासागरीय प्लेट का छेपन होता है तो उससे संलग्न महाद्वीप को वो खींचकर गर्त की ओर लाता है, महाद्वीप को खींचकर गर्त की ओर लाता है। परिणाम स्वरूप उसी महाद्वीप का छेपन होता है। छेपन क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में अवसाद के जमाव के कारण गर्त के भरने से अत्यधिक मात्रा में अवसाद के जमाव के कारण गर्त के भरने से मैदान का निर्माण होता है। तथा दूसरी ओर मुड़दार पर्वत का निर्माण होता है। महाद्वीपीय प्लेट हल्का होने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में महाद्वीपीय प्लेट हल्का होने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में महाद्वीपों की दो परतों का जमाव हो जाता है। नीचे निर्मित मैग्मा बहुत आसानी से ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। और पर्वत की ऊंचाई सबसे अधिक होती है, नहीं पहुंच पाता है। और पर्वत की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। अब ये सिंपली यही में है कि जैसे हम लोग ओशन ओशन में पढ़े थे कि ओशन ओशन दोनों क्या है, घनत्व के अनुसार दोनों का बराबर घनत्व है, तो कौन अंदर जाएगा डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि स्पीड और साइज, इन दोनों के आधार पर ये निर्भर करता है कि जो बड़ा होगा
या जिसकी गति थोड़ी अधिक होगी वो अंदर जाएगा। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट केस में भी वही दिक्कत आएगी, दोनों हल्का है, दोनों का घनत्व बराबर है, तो इसमें अंदर कौन प्रवेश करेगा। तो वो कॉन्टिनेंट जो, जैसे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के लिए हमने क्या पढ़ा कि ओशन कॉन्टिनेंट का टक्कर होना जरूरी है, तो एक ओशनिक प्लेट सबडक्ट करेगा, तटीय क्षेत्र का जो परिणाम देखे थे वो सारा दिखेगा। जैसे हमारे यहाँ देखो काराकोरम है, लद्दाख है, कैलाश रेंज है, उसके पार कुनलुन श्यान है, टेन श्यान है, ये सब पर्वत जो बना है वो टेथिस सागर और तिब्बत के पठार के टक्कर से बना है। और जो हिमालय की तीनों श्रेणी है वो इंडियन प्लेट और चाइनीज प्लेट के टक्कर से बना है, ठीक है। तो जब वो प्रवेश कर रहा होगा तो जो उस पे जुड़ा है महाद्वीप उसको वो घसीट लेगा अपने अंदर। जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि ओशन जा रहा है अंदर, तो इससे जो जुड़ा होगा कॉन्टिनेंट, जैसे टेथिस सागर, इंडो टेथिस प्लेट बोलते थे उसको जब तक टेथिस सागर था, अभी इसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट है, तो बीच में अभी भी सागर है, तो जो इसको खींच रहा है टेथिस सागर का प्लेट अंदर जाता हुआ, तो क्या होगा, इंडिया धीरे धीरे सरक के क्या आएगा, चाइना प्लेट के या तिब्बत के पास आएगा और फिर टक्कर होगी। तो टक्कर के दौरान वो क्या करेगा, अंदर खींचेगा, तो अंदर खींचेगा तो अवसाद का निर्माण बहुत ज्यादा होगा और ये ठीक ठाक भर जाएगा, और भर करके ये मैदान में परिवर्तित हो जाएगा और यहीं पे जो है अलग श्रेणी का फिर पर्वत का निर्माण होगा। यहाँ पे बहुत छोटे एरिया में देख रहे हैं ये अलग श्रेणी का पर, और ये बीच में दोनों के एक गैप आएगा। ये हो गया कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ये हो गया ओशन कॉन्टिनेंट, इसको हम सूचर क्षेत्र बोलते हैं, सिलाई क्षेत्र बोलते हैं, सूचर जोन। जैसे इंडिया में है इंडस सांगपो सूचर जोन, सिंधु ब्रह्मपुत्रा सूचर जोन, इसको ITSZ भी बोलते हैं। जिस गड्ढे से या जिस फॉल्ट से इंडस बह रही है एक तरफ और एक तरफ ब्रह्मपुत्रा बह रही है, यानी कि वो सीमा है, उसके दक्षिण में पूरा हिमालय है और उसके उत्तर में पूरा टेथिस ये हिमालय है या पार हिमालय है। पार हिमालय का मतलब है कि जो ओशन कॉन्टिनेंट से निर्मित हुआ है, और हिमालय का मतलब है जो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के टक्कर से निर्मित हुआ है। अब जो कंफ्यूजन है वो पूछो अब इस कंटेक्स्ट में शुरू से। तो सबसे पहले चीज तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन के लिए बीच में जो ओशनिक प्लेट है उसका डिसअपियर होना आवश्यक है। ये तो समझ रहे हैं हम लोग, ओशनिक प्लेट डिसअपियर कैसे होगा, ओशन कॉन्टिनेंट के टक्कर से ही, यानी कि ओशनिक प्लेट को बीच से गायब होने के लिए इसको अंदर जाना पड़ेगा। तो अंदर कब जाएगा, जब इन दोनों की टक्कर हो रही होगी और इसका छेपन हो रहा होगा, यानी कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर के लिए पहले ओशन कॉन्टिनेंट का टक्कर होना जरूरी है, और उस टक्कर के दौरान बीच में अवस्थित जो ओशनिक प्लेट है वो अंदर चला जाएगा, और ये जाते हुए अपने से संलग्न जो हमने लिखा है जो इस पे जुड़ा हुआ है, जब उस करो कि ये हाथ कोई खींच रहा है मेरा, ये ओशनिक है, ये कॉन्टिनेंट है, तो इससे जुड़ा हुआ, तो ये जब जाएगा तो ये अपने साथ ये कॉन्टिनेंट को भी लेके जाएगा। जैसे ये कंफ्यूजन होगा ना कौन सा कॉन्टिनेंट अंदर जाएगा, तो वो कॉन्टिनेंट अंदर जाएगा जो ओशनिक प्लेट से जुड़ा हुआ है, जो सबडक्टिंग ओशनिक प्लेट से, जो छेपित ओशनिक प्लेट से जुड़ा हुआ है वो अंदर जाएगा। तो ये वाला, इस केस में ये वाला कॉन्टिनेंट अंदर जाएगा। अब धीरे धीरे सपोज करो कि ये कॉन्टिनेंट यहाँ है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अब ये जो प्रवेश करेगा तो इसका ठीक ठाक भाग चूरन भर करके यहाँ पे भर जाएगा, और ये जब मुड़ेगा तो यहीं पे पर्वत का, इस साइड में पर्वत का निर्माण होगा, इस साइड में मैदान होगा, फिर अंदर जाते हुए प्लेटों को क्या करेगा, ये इसको भी उभार देगा थोड़ा सा और इधर भी उभार होगा थोड़ा। जो सिंपल सा हमने पढ़ा है कि सबडक्शन का फिर परिणाम क्या होगा, क्लियर है हम लोग। अब यहां पे अगर जैसे तीन चीजें हमने देखी, ओशन कॉन्टिनेंट 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 और ओशन ओशन ओशन, अब इन तीनों में दो तीन चीजों का अंतर आता है तीनों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें। तो जैसे हमने एक बताया कि गर्त की गहराई अधिकतम किस में होगी, ओशन ओशन में, क्यों होगा, घनत्व समान होने के कारण
छेपन के बहुत आसानी से नहीं हो पाएगा, यानी कि प्रतिरोध बल बहुत तीव्र होगा, परिणाम स्वरूप छेपन कोण बड़ा होगा। लिख लीजिए इसको थोड़ा सा, ये चीजें बुक में नहीं मिलेंगी आपको। सबसे पहला लिखो गर्त की गहराई, टॉपिक लिखो गर्त की गहराई। अब तीनों प्रकार के टक्कर में हम किससे तुलना करेंगे? तीनों प्रकार के टक्कर में महाद्वीप, महाद्वीप टक्कर में गर्त रहता नहीं है, गर्त तो बच नहीं जाता है। गर्त कहाँ चला जाता है? गर्त किस में परिवर्तित हो जाता है? मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो हम गर्त की तुलना किससे करेंगे? ओशन कॉन्टिनेंट और ओशन ओशन से। ओशन कॉन्टिनेंट में तटीय क्षेत्र में गर्त बनता है और ओशन ओशन में चापीय द्वीप के बाजू में गर्त बनता है, ठीक है? अब इसमें गर्त की गहराई में इसी दोनों से तुलना करेंगे। लिख लीजिए गर्त की गहराई छेपन कोण पर निर्भर करती है। गर्त की गहराई छेपन कोण पर निर्भर करती है। ओशन ओशन कोलिजन में या ओशन ओशन टक्कर में, ओ लिख दो, ओशन ओशन टक्कर में, ओशन ओशन टक्कर में घनत्व की समानता के कारण, छेपन के विपरीत प्रतिरोध अधिक होता है। परिणाम स्वरूप छेपन कोण बड़ा होने के कारण गर्त की गहराई ओशन कॉन्टिनेंट की तुलना में, गर्त की गहराई ओशन कॉन्टिनेंट की तुलना में अधिक होती है। पैराग्राफ चेंज, वलन की क्रिया में अंतर, दूसरा हेडिंग होगा वलन की क्रिया में अंतर। अब यहां पे हम तीनों में तुलना करेंगे, तीनों जगह टक्कर हो रही है, तीनों जगह संपीड़न बल हो रहा है, लेकिन तीनों के वलन में, वलन की तीव्रता में, वलन की पूर्णता में अंतर आएगा। अगर हम ये बात करें कि सपोज कीजिए कि अवसादी चट्टान बीच में ज्यादा है तो वलन ज्यादा होगा, और रवेदार चट्टान है तो वलन अपेक्षाकृत कम होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हम कपड़े को मोड़ें तो आसानी से मुड़ जाएगा, लकड़ी को मोड़ें तो उतनी आसानी से। तो यानी कि जितना ज्यादा घनत्व होता जाएगा वलन उतना ही अपूर्ण रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, राइट? यानी कि जिस टक्कर में अवसाद की मात्रा जितनी ज्यादा हो वहां पे वलन की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है हम लोग? अब तीनों टक्कर में अवसाद की मात्रा देखेंगे, जिसमें ज्यादा होगी वलन की क्रिया उसमें ज्यादा होगी, राइट? लिख लो, वलन की तीव्रता का सीधा संबंध संपीड़न बल के क्षेत्र में अवसादों की मात्रा से है। संपीड़न बल के क्षेत्र में अवसादों की मात्रा से है। अवसाद की मात्रा
ओशन ओशन टक्कर में न्यूनतम होती है, जबकि महाद्वीप महाद्वीप टक्कर में अधिकतम होती है। क्योंकि ओशन ओशन में टक्कर द्वारा निर्मित अवसाद ओशन ओशन में टक्कर द्वारा निर्मित अवसाद एकमात्र स्रोत है। जबकि महाद्वीप महाद्वीप में टक्कर के अतिरिक्त दोनों ओर के महाद्वीपों से टक्कर के अतिरिक्त दोनों ओर के महाद्वीपों से अवसाद आने के कारण तीन स्रोत होते हैं। ओशन कॉन्टिनेंट में दो स्रोत होते हैं, ओशन कॉन्टिनेंट में दो स्रोत होते हैं। परिणाम स्वरूप ओशन ओशन टक्कर में वलन लगभग अनुपस्थित होता है। इसीलिए इसे चापीय द्वीप कहते हैं। जबकि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टक्कर में वलन की क्रिया सबसे उत्तम होती है। अभी हमने क्या पढ़ा उसको देखो। ओशन ओशन में टक्कर हो रहा है, सारी टक्कर कहाँ पे हो रही है? पानी के नीचे हो रही है। अब टक्कर से जो भी खुरचन हुआ उसमें हर जगह टक्कर होगी तो अवसाद की मात्रा बनेगी, अवसाद का निर्माण होगा। अब ओशन ओशन में जो टक्कर होगा तो टक्कर के दौरान भी जो अवसाद की मात्रा बनेगी वो अपेक्षाकृत क्या होगी? काफी कम होगी। अब यही ओशन को कॉन्टिनेंट से टकराने दो, अवसाद की मात्रा टक्कर के दौरान भी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। अब एक तरफ कॉन्टिनेंट है और ये ओशन कॉन्टिनेंट का टक्कर कर रहा है, तो टक्कर से भी अवसाद की मात्रा उसकी अब तुलना में ज्यादा मिलेगी। और दूसरी तरफ चूंकि ये लाखों साल का प्रक्रम होता है तो दूसरी तरफ से नदियां क्या आएंगी? अवसाद लेके आ रही है, तो इसके अवसाद की मात्रा को क्या करेगा? बढ़ाता जाएगा। और इसलिए यहां पे वलित पर्वत का निर्माण होता है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट केस में क्या है? जो टक्कर हो रही है दो महाद्वीपों के बीच में, तो दोनों तरफ से अवसाद आ रही है प्लस टक्कर से मिला, तीन स्रोत हो गया। ओशन कॉन्टिनेंट में एक टक्कर और एक कॉन्टिनेंट, ओशन ओशन में केवल टक्कर, एक स्रोत, दो स्रोत और तीन स्रोत, समझ रहे हैं? और चूंकि ये मिलियन ऑफ इयर्स लगता है, जैसे हिमालय जो है का निर्माण शुरू हुआ था 100 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था, तो 100 मिलियन वर्ष में अगर छटाक भी लाए नदियां तो बहुत ज्यादा हो जाती है अवसाद की मात्रा। और अवसाद की मात्रा जितनी अधिक होगी दो तीन चीजें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। वलन की तीव्रता अधिक होगी, हम लोग होपफुली समझ गए हैं। दूसरा क्या होगा कि पर्वत की ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी, ये से समझ रहे हो कि नहीं?
पर्वत क्यों, यही वजह कारण है कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। कभी भी पूछे कि हिमालय क्यों है, तो क्योंकि वो महाद्वीप महाद्वीप की टक्कर से हुआ है और दो परत बन गई महाद्वीप की। ये नीचे नहीं जा रहा तो क्या होगा, ऊपर पुश करेगा, बॉयंसी जिसको उत्प्लावन बोलते हैं, तो दबाव के कारण ओशन इसको खींचेगा, तो जितना खींच सकता है वो जाएगा और जैसे ओशन छोड़ देगा, एक बात होगा खींचते खींचते क्या होगा, टूट जाता है बेसिकली, तो ओशनिक प्लेट टूट जाता है। जब तक वो नहीं टूटा है तब तक उसका छेपन थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, और एक समय के बाद लगता है ओशन को लगता होगा छोड़ो नहीं आना चाहते हो, तो हम अकेले चल पड़ते हैं। इमेजिन करो हो जाएगा ऐसा, किसी चीज को खींच रहे हो तुम, तुम्हारा बल ज्यादा है और उसके आने की जो गति है उसके अनुसार नहीं है, तो क्या होगा, धागा टूट जाएगा। तो वही समझ सकते हैं कि जो ये ओशनिक प्लेट जा रहा है तो इसको खींच रहा है, तो ये अंदर ज्यादा तेजी से नहीं जा रहा, तो यहां से क्या होगा, ओशनिक प्लेट टूट जाएगा और वो इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, राइट। तो ये जब ओशनिक प्लेट छोड़ देगा तो उसका उत्प्लावन बल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और दो महाद्वीपों की उपस्थिति के कारण, एक महाद्वीप तो पहले से है और दूसरा सबडक्ट किया तो दो महाद्वीप हो गया, इसको डबल लेयरिंग बोलते हैं, दो परत का निर्माण। तो महाद्वीप की दो परतें हो गई तो ऑटोमेटिकली इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अवसाद की गहराई महाद्वीप महाद्वीप की टक्कर में अधिकतम होगी, अगर हम टॉप से बॉटम में देखें अवसाद की गहराई, क्योंकि ये भी अवसादी चट्टान है, ये भी अवसादी चट्टान, महाद्वीपीय क्षेत्र है तो अवसादी चट्टान की मात्रा अधिक होगी, यहां पे भी तो गहराई ज्यादा होगी। अब सोचो कि जैसे अब इस प्रश्न पे आ रहे हैं कि हिमालय में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, एक भी नहीं है, इंडीज पर्वत में ठीक ठाक है और जापान में बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं इस चीज को। सेम कारण है कि जब छेपित प्लेट द्वारा, लिख लीजिए इसको, ज्वालामुखी गतिविधियों में अंतर, तीनों प्रकार के अभिसरण में ज्वालामुखी गतिविधियों में अंतर, इस क्लासरूम में कुछ ज्यादा ही नहीं है ये सफोकेशन। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दस दस हजार रुपये पेमेंट कलेक्ट कर लीजिएगा सबसे अलग से, एयर प्यूरिफायर लगवा देते हैं, रेडी नहीं, नहीं हो सकता है, स्पॉन्सर कोई थोड़ी करता है इससे, नहीं वाकई इस क्लास जैसे हम भी रूम से आए हैं तो रूम में उतना ज्यादा नहीं था, इसका मतलब विंडो एसी है इसलिए यहाँ पे ज्यादा है, सर में चक्कर दर्द सब शुरू हो गया। तुम तो अपना लगाए हुए हो, हाँ क्या लिखे हम लोग, ज्वालामुखी क्रियाओं में अंतर के कारण। अब ज्वालामुखी क्रियाओं में क्या होगा कि जो लिख ही लो उसके बाद बात करते हैं, कोई दिक्कत, छेपन क्षेत्र में छेपन क्षेत्र में निर्मित मैग्मा केंद्रीय उद्गार द्वारा धरातल तक पहुंच सकता है, पहुंच जाता है, ओशन ओशन के केस में, ओशन ओशन टक्कर केस को क्या बोलेंगे, ओशन ओशन के क्षेत्र में केस ही लिख दिए,
ओशन ओशन की टक्कर की स्थिति में, ठीक है, ओशन ओशन टक्कर की स्थिति में क्षेपण क्षेत्र में निर्मित मैग्मा, क्षेपण क्षेत्र में निर्मित मैग्मा अपेक्षाकृत आसानी से ऊपर तक पहुंच जाता है। अपेक्षाकृत आसानी से ऊपर तक पहुंच जाता है। क्योंकि दूरी कम होती है। परिणाम स्वरूप सक्रिय ज्वालामुखी या ज्वालामुखी चोटियां अधिकतम होती हैं। ज्वालामुखी चोटियां अधिकतम होती हैं। चोटियां, पीक्स, चोटी, जैसे जापान, जबकि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टक्कर में सक्रिय ज्वालामुखी लगभग अनुपस्थित होता है। परंतु ज्वालामुखी क्रियाओं के प्रमाण, सक्रिय ज्वालामुखी लगभग अनुपस्थित होता है, परंतु ज्वालामुखी क्रियाओं के प्रमाण उपस्थित होते हैं। प्रमाण, एविडेंस, प्रमाण ही बोलेंगे ना उसको, प्रमाण उपस्थित होते हैं, जैसे गर्म पानी के झरने, गीजर, इत्यादि। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप मणिकरण लिख लीजिए। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण बहुत फेमस है, ये हॉट स्प्रिंग्स है। ऐसे कई हॉट स्प्रिंग अरुणाचल प्रदेश, मणिकरण, काठमांडू, मणिकरण गर्म पानी का झरना है, हिमाचल में है। असम में भी है, असम के ऊपरी क्षेत्र में है, अरुणाचल में है, उत्तराखंड में है, हर जगह है। काठमांडू में है गर्म पानी का झरना, कश्मीर में है। तो गर्म पानी का झरना क्या इंडिकेट करता है? कि नीचे ज्वालामुखी क्रियाएं चल रही हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि सक्रिय ज्वालामुखी, जैसे हम लोग दक्षिण अमेरिका में देखे होंगे कोटोपैक्सी, याद होगा, राइट, चिम्बोराजो या फिर ओजस डल सलाडो, तो वो सब पीक है। अब सवाल उठता है कि जब एंडीज पर्वत में ज्वालामुखी चोटी है तो हिमालय में क्यों नहीं? तो उसका उत्तर यही है कि जब महाद्वीप महाद्वीप की टक्कर होती है तो ज्वालामुखी को अधिक दूरी तय करना पड़ता है, चूंकि अब सादी चट्टानों की परत उसको, इसकी गहराई को बढ़ा देती है, तो ये उभार तो इसका ज्यादा हो जाता है। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाने के कारण नीचे निर्मित जो मैग्मा होगा वो धरातल तक पहुंच नहीं पाएगा। परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, वहां पे सक्रिय ज्वाला की अनुपस्थित, सक्रिय ज्वालामुखी चोटियों की अनुपस्थिति हो जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज को? एंडीज में मिल जाएगा। अब जापान में क्या है, ओशन ओशन है, तो दो ओशन के क्षेत्र में भी अगर देखेंगे तो इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा नहीं होती है, नंबर वन। नंबर दो, जो मैग्मा बना वो ऊपर आने में अपेक्षाकृत ज्यादा सक्षम होता है। तो अधिकतम चोटियां कहाँ पाई जाएंगी, ओशन ओशन में।
मध्यम लेवल पे ओशन कॉन्टिनेंट में, और न्यूनतम स्तर पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, और हिमालय में वो भी नहीं है। जैसे अब आता है मेडिटेरियन वाला, ये देखो प्लेट को देखा है हमने, नहीं मैग्मा निर्माण होगा ही होगा। हाँ, जैसे ओशनिक प्लेट भी तो जा रहा है अंदर में, जो नीचे में ओशनिक प्लेट है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो पिघलेगा भी बहुत आसानी से, ये ध्यान रखो। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्का होता है और थोड़े से तापमान में वो पिघल जाएगा, जैसे जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो हल्का तत्व होता है जल्दी से पिघल जाता है। तो दोनों केस में अगर देखेंगे तो मैग्मा का निर्माण होगा। अब क्वांटिटी वैसे देखो तो फिर ओशनिक प्लेट क्या होगा, ज्यादा दूर तक प्रवेश करेगा तो उसमें मैग्मा का निर्माण ज्यादा होगा, लेकिन दूरी भी तो बढ़ जाएगी उसकी। यहाँ पे क्या है, मैग्मा का निर्माण होता है लेकिन निचले भाग में होता है, ऊपर वो आना चाहता है। तो अगर मैग्मा का निर्माण नहीं होगा तो पर्वत की ऊंचाई ही नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा रिसर्च गड़बड़ा जाएगा इसमें, क्योंकि ये पढ़ ही नहीं पाए होगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वही है ज्वालामुखी, इसको जो गर्म पानी का झरना होता है उसको गर्म कुंड बोलते हैं। या कहीं पे तापमान ज्यादा होगा, मान लो कि नीचे आग लगी हुई है और यहां तक धरातल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन तापमान का असर तो दिख सकता है यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा, धस जाएगा थोड़ा सा एरिया, वैसी भ्रंश घाटी बनती, धस गया। अगर उसमें देखोगे गौर से तो हो सकता है तापमान के ज्यादा धुआं निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, उसको गर्म कुंड बोलेंगे। बिल्कुल लोग अपना ही पेज खोल लो, प्लेट्स का, प्लेट्स का जो पेज है वही खोल लो, इसमें नहीं खुल रहा है पता नहीं, ये वाला जो पेज हम लोग खोले थे इसको खोल लो। हाँ, क्या पूछे, जापान के केस में जो मैग्मा जो होता है उसमें खनिज पाया जाता है, ऐसा है क्या? तो हर हर किसी चट्टान में पाया जाएगा, खनिज और खादान में क्या अंतर है? हाँ, तो वही चीज नहीं होती है। जब मैं जैसे अपने अगर देखो पूरे दक्कन के पठार में कोई खादान नहीं है, जबकि पूरा मैग्मा से ही निर्मित है। खनिज पाया जाएगा लेकिन खादान के निर्माण के लिए जो उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए वो इस तरह के संपीड़न बल वगैरह में क्या होता है, चट्टान उथल पुथल हो जाता है, तो मिक्सिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि कंसंट्रेशन नहीं होता है उसका, संकेंद्रण नहीं होता, किसी विशेष प्रकार के खनिज का केंद्रण नहीं हो पाता वहां पे। अब पृथक्करण नहीं होने के कारण फिर वो, और होगा भी तो काफी नीचे पार्ट में होगा। याद करो हम लोग एक बात किए होंगे कि पर्वत को अगर हम लें तो पर्वत के सबसे ऊपरी भाग में हल्के तत्व होंगे, मंझले भाग में मीडियम होगा, नीचे भाग में अधिक होगा कंसेंट्रेशन होगा। तो जब ऊपर वाला हटेगा, ये वाला एक्सपोज होगा, तभी जाके वहां पे खनिज संपदा मिलेगी। जापान हो या इंडीज हो या हिमालय हो, वो बेसिकली पर्वतीय रूप में है, जिसके ऊपरी भाग में, अभी तो ऊपरी भाग ही है, अगर जापानीज को लेना होगा तो खोदिए 50 किलोमीटर नीचे, आ जाके लीजिए वहां पे मिल जाएगा। अब 50 किलोमीटर खोद नहीं सकते हैं उस तरह से। चिली में जो जो, जो, जो तांबा पाया जाता है, तो चिली का जो क्षेत्र है वहां पे, वो कहां पे है ये देखो, कई बार कंसेंट, जैसे अब कश्मीर में भी पाया जाता है अंथरासाइट, एंडी पर्वत अटाकामा डेजर्ट में पाया जाता है। तो अब जैसे कई बार हो सकता है कि अब उथल पुथल में ही कुछ कंसेंट्रेशन बन जाए, जैसे ये क्या हो, संपीड़न बल है, संपीड़न बल में दबाव लग रहा है,
दबाव का परिणाम, जो मुख्य परिणाम होगा वो मिक्सिंग ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ कुछ किस्मत वाले ऐसे होंगे कि मिक्सिंग ऐसी हुई कि एक ही पदार्थ को निचोड़ कर निकाल दिया। जैसे भारत में केवल एक जगह है जहां पे एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, वो कश्मीर है। और कश्मीर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। लेकिन आम तौर पे वो जापान में ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल ही नहीं पाया जाता खनिज। जापान में कई सारे आयरन ओर के खादान है, लेकिन वो छोटी मात्रा में, हल्के हल्के मात्रा में, कब का खत्म हो चुका है उसका। तो अगर हम विश्व स्तर पे जिसकी बात करते हैं, प्रसिद्धि, अब सोना का एक कन लेके घूमो, बोलो कि हम सोनार हो गए, तो वो बात नहीं है ना। सोनार होने के लिए सोना की मात्रा चाहिए ठीक ठाक। तो अगर हम वितरण की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र में खनिज संपदा, स्पेशली धात्विक खनिज का अभाव होता है। हम ये कभी नहीं लिखेंगे बिल्कुल नहीं मिलता है, अभाव होता है। जो यदि उसकी अगर हम उद्योग की बात करें, जापान जैसी कंट्री के उद्योग की बात करें, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कभी भी सक्षम नहीं है। हम उसकी बात कर रहे हैं, तुलनात्मक कर रहे हैं। मैदानी क्षेत्र में भी वही वही हालत रहेगी, स्पेशली धात्विक खनिज की। धात्विक खनिज कहाँ पाया जाएगा, पठारी क्षेत्र में पाया जाएगा, वो भी पुराने पठार में। क्लियर है? तो तीन चीजों हमने तुलनात्मक अध्ययन में देखा, छेपन कोण के कारण गर्त की गहराई, अवसादी चट्टानों की मात्रा के कारण वलन की तीव्रता और ऊंचाई, और तीसरा है ज्वालामुखी चोटियों का की उपस्थिति और अनुपस्थिति। क्लियर है इस चीज में हम लोग? अब आता है भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण। जैसे ज्वालामुखी नीचे में बन रहा है, अब मान लो कि इसको कम दूरी तय करना पड़ेगा। ये नीचे में बन रहा तो इसको उठा रहा है, तो उठा रहा है तो हो सकता है कि जैसे कहीं कहीं पर ऐसे आकर के ये नीचे ऊपर आ जाए, तो ये ज्वालामुखी चोटी बन गई केंद्रीय उद्गार द्वारा। अब इसको पहुंचने की संभावना ओशन ओशन में अधिकतम होगी, ओशन कॉन्टिनेंट में मध्यम स्तर की होगी और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में न्यूनतम स्तर की होगी। चूंकि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट केस में पर्वत की ऊंचाई अधिक होती है, अवसादी चट्टानों की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण उसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है, तो मैग्मा को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। तो उस कारण क्या होता है कि वहां पे चोटी तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ इम्पोर्ट, तुमको उधार क्यों चाहिए और कब चाहिए? इम्पोर्ट का मतलब क्या, उधार ले रहे हैं आप बेसिकली। तो जब अपनी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं अपने पैसों से, तो आप उधार मांगते हैं। अब उसमें दो चीजें हैं, ये दो बातें हैं, या तो पैसा बहुत कम है आपके पास या जरूरतें ज्यादा हैं आपके पास। ठीक है, एक नहीं दो दो गर्लफ्रेंड बनाए हुए हो तो फिर खर्चा बढ़ जाएगा, पिताजी के पैसे से नहीं काम चलेगा, तो दोस्तों से उधार लेना पड़ेगा रो रो के। तो इम्पोर्ट दोनों चीज है। जापान के साथ क्या है, एक तो उसके पास अपनी जो खनिज संपदा है वो काफी कम है, दूसरा उसकी जरूरत ज्यादा है। चूंकि औद्योगिक विकास हुआ वहां पे बहुत पहले, जिस समय में पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ रही थी, जापान एशिया का मात्र ऐसा देश था जो उसको नकल करके सॉलिड लेवल पे अपने यहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ले आया। लेकिन उस मेंटली तो ले आया, वो ह्यूमन रिसोर्स विकसित था उसका, तो वो ले आया, लेकिन खनिज संपदा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और उस समय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटेशन बहुत ज्यादा नहीं था कि WTO है तो ये है, तो ये स्कीम से वहां पे खान मिल रहा था, आप ला सकते हैं, कोई ला सकता है, इस तरह की चीजें थी नहीं। तो उसने चाइना को ऑक्यूपाई किया, मंचूरिया प्लेटू। ऑक्यूपाई कहाँ किया, मंचूरिया प्लेटू। प्लेटू क्या होता है, खनिज संपदा का भंडार होता है। तो इम्पोर्ट करना, जैसे मान लो कि बहुत सारे ऐसी कंट्री है जिसके पास बहुत कम है फिर भी इम्पोर्ट नहीं करता है, वो मतलब क्या हुआ, जरूरत ही कम है उसकी। तो इम्पोर्ट करना एक सब्जेक्टिव टर्म है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से दो पहलू पे देखा, मांग है ये, मांग में वृद्धि। तो अंबानी भी चोरी करता है, अंबानी भी उधार लेता है, IPO लेता है, क्या लेता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स या शेयर बेचता है, वो सब क्या है, उधार लेता है। हम उधार नहीं लेते हैं,
इसका मतलब थोड़ी कम अंबानी से बड़े हो गए। अंबानी की जरूरतें ज्यादा है तो उधार लेता है, हम जितना कमाते हैं उतने में ही अपना गुजारा कर लेते हैं तो हमको उधार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इम्पोर्ट शब्द जो है सब्जेक्टिव है वो। हाँ हाँ ये भी चीज सही बात है कि अगर जैसे मान लो कि हम लोग अपना कोयला निकालने में 2G घोटाला हो जाता है, 3G घोटाला हो जाता है, फिर कोयला घोटाला हो जाता है, तो डरने लगेगा मंत्री कि यहाँ पर करेंगे तो हंगामा हो जाएगा, पैसा भी नहीं बचा पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाते हैं 20 रुपये, वहां से लाएंगे 25 रुपये, यहाँ बोल देंगे कि लाए हैं तो 5 रुपये बच जाएगा, बोलेंगे इम्पोर्ट किए हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो डिपेंड करता है कि स्थिति कैसी है। कई बार होता है कि खुद का उत्पादन जो होता है महंगा पड़ता है आपको, तो आप इम्पोर्ट करा लेते हैं। जैसे कोकिंग कोल इंडिया में मंगाया जाता है जबकि इंडिया में खुद भी है, लेकिन उसका इतनी गहराई पे उसको निकालने में आपको, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम अगर बहुत सारी कंट्रीज के कंटेक्स में देखें तो हम ठीक ठाक प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारी खपत इतनी ज्यादा है कि 85% हम इम्पोर्ट करते हैं, मुश्किल से 10 से 15% वो हमारी खपत का, वो कई सारी विश्व कंट्री से ज्यादा उत्पादन है, लेकिन खपत अमेरिका इम्पोर्ट करता है, पेट्रोलियम इम्पोर्ट करता है वो, इसलिए उसकी खपत और भी बहुत ज्यादा है। सूचर का मतलब सिलाई होता है, ये जैसे है ना ये शर्ट के जो बीच का जोन, इसको सूचर जोन। तो दो कॉन्टिनेंट टकराया ऐसे, तो ये क्या, ये जो बीच का जोन है इसको सिलाई क्षेत्र बोलते हैं, कि दोनों सिल जाता है एक दूसरे में, सूचरिंग हो जाती है उसकी। और छोटा होगा अरावली जैसे अपने यहाँ, हाँ अरावली और यूराल एक ही साथ का है, अरावली यूराल वहां अमेरिका का एपलेशियन, ये तीनों एक ही एज का है, तो सबसे पुराना नहीं है, जो प्राचीनतम पर्वत है वो है प्री कैम्ब्रियन पर्वत। नहीं कहाँ पढ़ लिए, अरावली हर्सिनियन पीरियड का है, जो प्री कैम्ब्रियन पर्वत है वो सब पठार में परिवर्तित हो चुका है आज की डेट में। और जो 4 युग हैं पर्वत के, हर्सिनियन, कैलिडोनियन, सबसे पुराना है प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद हर्सिनियन, फिर कैलिडोनियन, ये दोनों पैलियोजोइक में है, और फिर है टर्शरी। टर्शरी का ये सब है हिमालय, रॉकीज, एंडीज, अल्प्स, ये सब पर टर्शरी का है, और जो प्री कैम्ब्रियन का इंडिया में पार्ट है वो सिर्फ 3-4 पार्ट है, वो छोटा नागपुर का पठार, बस्तर का पठार, कर्नाटक का पठार और बुंदेलखंड का छोटा सा भाग, और सारा निर्माण उसके बाद हुआ है अरावली हर्सिनियन में। अरावली एकमात्र मोड़दार पर्वत है यहाँ पे। अरावली किससे बना होगा, महाद्वीप, महाद्वीप से या महासागर महाद्वीप से? महासागर महाद्वीप से बना है, महासागर महाद्वीप से बना है ये। ये तटीय क्षेत्र में था, और अरावली का अवसाद जो है पश्चिमी क्षेत्र में ओशन में जमा हो करके राजस्थान और गुजरात का मैदानी भाग का निर्माण किया है। यही कारण है कि आज भी देखोगे कच्छ वच्छ का जो एरिया वो दलदली है, जैसे पानी में आप मिट्टी डालो तो मिट्टी पानी के ऊपर आ भी जाएगा तो उसकी सॉलिडिटी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, कठोरता उतनी अधिक नहीं रहेगी, क्योंकि पानी में जमा से बना है। तो जितना भी पश्चिमी भाग है इसका वो सारा का सारा समुद्र में निर्मित है। यही कारण है कि राजस्थान के आंतरिक भाग में भी तुम्हें पेट्रोलियम मिल जाएगा। पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्री अवसादी चट्टानों से, और पूरा मैदानी भाग में। ये और आने लगा क्या यहाँ पे, एसी तेज करेंगे तो और आएगा हमको लगता है, एसी इनफैक्ट बंद करवा दिया जाए, थोड़ी देर खिड़की खोल दी जाए, पंखा चला के खिड़की, भाई कुछ करे यार। भावी आईएएस ऑफिसर सब बैठे हुए, हम लोग का तो कोई बात नहीं, एज हो चुकी है, मरेंगे भी तो कोई अफसोस नहीं आएगा।
नहीं, कारण जो भी हो इस क्लासरूम में ज्यादा है, तुम लोग लेके तो नहीं आए वहां से बाहर से सब। कुछ भी हो, कितनी भी गलती की हो, स्वर्गवासी तो होना ही है, दिक्कत नहीं है, घबराओ मत। कभी भी किसी को सुने को नर्कवासी हो जाता है, पता ही नहीं होता। नहीं, चलो एक शेर सुनाता हूं तुम लोग। हिंदू ये सोचते हैं कि बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ का मतलब स्वर्ग का पर्यावाची शब्द है। हिंदू ये सोचते हैं कि बैकुंठ जाएंगे, मुस्लिम ये सोचते हैं कि बहिष्ठ पाएंगे। बहिष्ठ का मतलब भी स्वर्ग जन्नत होता है। हिंदू ये सोचते हैं कि बैकुंठ जाएंगे, मुस्लिम ये सोचते हैं कि बहिष्ठ पाएंगे, ईसाइयों को नाज के ईसा बचाएंगे। और एक शायर क्या सोचता है वो देखिए। हिंदू ये सोचते हैं कि बैकुंठ जाएंगे, मुस्लिम ये सोचते हैं कि बहिष्ठ पाएंगे, ईसाइयों को नाज के ईसा बचाएंगे, मेरा ख्याल है सभी सीटी बजाएंगे। मेरा ख्याल है सभी सीटी बजाएंगे, हिंदू ही जाएगा ना मुसलमान जाएगा, जन्नत में घर गया भी तो इंसान जाएगा। तो हम लोग सब लोग केजरीवाल हो जाएंगे जी। एक तो पैसिफिक वाली हो गई और एक जापान के साइड का जो चाइना प्लेट है, इंडो चाइना प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट का यहाँ चाइना खत्म हो जाता है, ये ओशन है। वही देखो, उसको देखो ना गौर से, जैसे कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का थोड़ा सा भाग उस पृथ्वी सागर वो नहीं है, वो पंथालासा वाला भाग है। और आ गया ना, इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, इसी थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं, बचेंगे तो और भी क्लास करेंगे, ये तो और हालत खराब हो गई। आज संडे है ना, चलिए निकल लीजिए आप लोग सुकून से, बचिएगा तो बहुत काम आइएगा जी।